और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का आरोप लगा है और उसके बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का ये वही थाना है जिसके अंदर एक युवक की मौत होने पर फिर से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। जिस युवक की मौत हुई उसका नाम है अल्ताफ। 22 साल के अल्ताफ को एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में पुलिस थाने लेकर आई थी, लेकिन पुलिस ने फिर दावा किया कि अल्ताफ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपने गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। हालांकि पुलिस के इसी दावे पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार के साथ सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है कि कोई शख्स थाने के अंदर हुड वाली जैकेट की डोरी से फांसी कैसे लगा सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कासगंज में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की थाने में मौत का मामला बेहद संदेहास्पद है। लापरवाही के नाम पर कुछ पुलिस वालों का निलंबन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है। इस मामले में इंसाफ के लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। MIM सांसद ओवैसी ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। विवाद के बाद SP कासगंज ने लापरवाही के आरोप में कोतवाली के इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 हवलदारों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी यूपी के ही आगरा में पुलिस कस्टडी में वाल्मीकि समुदाय के एक लड़के की मौत हुई थी जिसके बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाने साधे थे। प्रियंका गांधी समेत कई नेता तो आगरा में पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंचे थे। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विजय का मिशन तेज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आज वृंदावन के कुंभ मेला मैदान में बजरंग उत्सव की शुरुआत की और साधु संतों के साथ भोजन किया। मथुरा वृंदावन जाने से पहले योगी ने कानपुर को मेट्रो ट्रेन का तोहफा भी दिया। CM योगी ने मथुरा के वृंदावन में साधु संतों के साथ भोजन किया, वृंदावन के कुंभ मेला मैदान में बजरंग उत्सव की शुरुआत की। मिशन पश्चिमी यूपी पर CM योगी का ये एक और धमाकेदार दौरा है। देश के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। पश्चिमी यूपी राज्य का वो हिस्सा है जहां किसान और जाटों का दबदबा है। कृषि कानून की वजह से किसान और जाट BJP से थोड़े नाराज हैं, तो CM योगी यहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इससे पहले शामली गए, कैराना गए और अब मथुरा पहुंचे। मथुरा से पहले CM योगी ने कानपुर वालों को भी मेट्रो ट्रेन का तोहफा दिया। कुछ दिनों बाद IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो का 9 किलोमीटर का सफर शुरू हो जाएगा। योगी बोले, पहले की भ्रष्ट सरकारों में विकास नहीं होता था। जितनी सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। तो मेट्रो के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने कह दिया कि शुक्र है योगी ने ट्रेन को दिखाने वाली हरी झंडी का रंग नहीं बदला है। उत्तर प्रदेश के नेताओं को लगता है कि जिन्ना से खास लगाव है। अखिलेश यादव के साथ अब उनके साथ चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर का जिन्ना प्रेम जाग उठा है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। यूपी के चुनाव में जिन्ना पर जंग अभी जारी है। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। यूपी के सियासी रण में जिन्ना का जिन्न 31 अक्टूबर को सामने आया था जब हरदोई की एक सभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्ना प्रेम में ऐसे बह गए कि उनकी तुलना
गांधी, नेहरू और पटेल से कर दी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। इसी दिन से यूपी के चुनावी माहौल में अखिलेश के जिन्ना प्रेम पर बयानबाजी चल रही है। आज राजभर से भी यही सवाल पूछा गया था और उन्होंने ये बयान दे दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो समदेश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। अखिलेश यादव ने जब बयान दिया था तो खुद सीएम योगी ने तीखा पलटवार किया था। अत्यंत शर्मनाक है, लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। आज राजभर बोले तो उन्हें भी पाकिस्तान जाने की नसीहत मिल गई। जिनको जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ राजनीतिक दलों ने अलादीन के चिराग का जिन्न समझ लिया है और लग रहा है कि ये मनचाही मुराद पूरी कर देगा, वोट इनको दिला देगा, वोटों से झोली भर देगा। लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं है कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये देश खलनायक मानता था, खलनायक मानता है और खलनायक ही मानता रहेगा। जब जिन्ना को देश खलनायक मानता है, फिर भी क्या जिन्ना का जिन्न चुनावों में वोट दिला सकता है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव जिन्ना के समर्थन वाले अपने बयान पर अब भी कायम है। हालांकि बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी उन्हें इतिहास पढ़ने की सीख दे रही है। ये कोई नई बात नहीं है, आडवाणी जी भी पाकिस्तान में जिन्ना जी के कब्र पर गए थे, फूल चढ़ाए थे। श्री अखिलेश जी ने यह बयान दिया हुआ, मैं नहीं समझता कि यदि थोड़ा बहुत इतिहास उनको जानकारी होती तो इस तरह का बयान देते। उत्तर प्रदेश में भले ही राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन राम के नाम पर सियासत चमकाने का काम लगातार जारी है। ताजा विवाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच जुबानी जंग से शुरू हुआ है। आप भी देखिए, दशरथ के तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगेरी सिंह निषाद। यूपी के प्रयागराज में 3 दिन पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने भगवान श्री राम पर ये विवादित बयान दिया था, जिस पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने तगड़ा प्रहार किया है। क्या इनकी माँ दाई थी क्या? जब राम पैदा हुए तो इनकी माँ दाई थी क्या? वहाँ पर नारे नहीं काटा था क्या? बीजेपी सांसद ने भी यह जवाब देते हुए कुछ विवाद तो जरूर खड़ा किया है। वैसे यहाँ ये बताना जरूरी है कि संजय निषाद अपने विवादित बयान पर माफी मांग चुके हैं। कुछ लोग इस गठबंधन को लेकर और भारतीय राजनीति उसको तोड़ मोड़ को पेश कर रहे हैं। अगर कहीं समय व्यक्ति शब्द निकले हैं, मैं प्रभु श्री राम से क्षमा चाहूंगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, यूपी में निषाद पार्टी निषाद समुदाय की राजनीति करती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी सिर्फ एक सीट जीती थी। संजय निषाद ने यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर बीजेपी पर दबाव बनाते रहते हैं, लेकिन अब की बार अपने बयान से ही बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं संजय निषाद। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी आस्था के साथ सूर्य उपासना के इस लोक आस्था के पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह और बड़े उमंग के साथ इस आयोजन को आयोजित करता है। मुझे लखनऊ में पिछले 4-5 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखने, जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पिछला 19 महीनों का समय है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा है। कोरोना महामारी से
पूरी दुनिया त्रस्त हुई है। उसने न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है बल्कि आस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। अभी भी आप देख रहे होंगे अमेरिका में, यूके में, रूस और चीन में कोरोना के मामले में बहुत वृद्धि हुई है, काफी बढ़ोतरी है, लेकिन भारत में आप सबकी आस्था के सामने कोरोना पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब कोरोना को प्रभावी नियंत्रण में लाया गया है तब हमें यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि हम लोग लोक आस्था के स्तरों पर एकत्र होकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह और उमंग के साथ आज सायंकाल आप सब ने यहाँ पर माताओं बहनों ने अस्तांचल सूर्य को अपना अर्घ दिया है। कल ब्रह्म मुहूर्त में आकर के सूर्योदय के साथ अर्घ देकर के अपने व्रत को संपन्न करेंगे, कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आस्था है और इस आस्था में ताकत भी है। यही आस्था भारत की ताकत है और उस आस्था को सम्मान देना यह किसी भी समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा जहां जहां भी छठ के आयोजन होते हैं सूर्य षष्ठी के अवसर पर वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन अवकाश घोषित करें और मुझे प्रसन्नता है कि आप सबको इसका लाभ प्राप्त। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ के पर्व पर घाट पर पहुंचे गोमती नदी के किनारे। और भारत की बात में अब वक्त हो गया है आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में एबीपी न्यूज ने केस की दिशा को ही बदल देने वाला खुलासा किया है। एबीपी न्यूज को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए सौदेबाजी की गई और ये सौदेबाजी उस शख्स ने की जिसे नारकोटिक्स विभाग पूरे मामले में अपना विश्वसनीय गवाह कह रहा था। आप देखिए एबीपी न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस ड्रग्स कांड ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 28 दिन तक सलाखों के पीछे रखा, ड्रग्स केस ने शाहरुख को जेल तक आने को मजबूर किया, जिस ड्रग्स केस ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की सियासत तक सनसनी मचाई हुई है, जिस ड्रग कांड ने नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, वो ड्रग्स केस निकला वसूली कांड। एबीपी न्यूज पर ऑपरेशन व्हाट्सएप से देखिए सबसे बड़े खुलासे। आज आपके सामने क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे छिपे थे। आज हम आपको एक एक करके उन सबूतों के बारे में भी बताएंगे जिससे ये साफ हो जाता है कि कैसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसावी एंड कंपनी एनसीबी के नाम पर वसूली का खेल खेल रही थी। उस वसूली कांड का पहला सबूत एबीपी न्यूज के हाथ लगा है, वो है एक व्हाट्सएप चैट। ये चैट 3 अक्टूबर को हुई थी और इस चैट के जरिए क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के दो अहम गवाहों केपी गोसावी और प्रभाकर सैल की आपसी बातचीत के राज खुल गए हैं। हाजी अली चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था, वहां से घर वापस आ जाना। जी सर। आगे बढ़ने से पहले यहां आपको बता दें कि इस चैट में जिस केपी गोसावी का जिक्र है वो सबसे पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ सेल्फी में नजर आया था। केपी गोसावी ही वो शख्स है जो खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता था, लेकिन आज वो जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में सलाखों के पीछे कैद है। और दूसरा शख्स प्रभाकर कौन है उसके लिए आपको पूरे मामले की झलक 6 तस्वीरों में दिखाते हैं। मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी हुई, इसके बाद शाहरुख के बेटे आर्यन गिरफ्तार हुए, मंत्री नवाब मलिक ने आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाले गोसावी पर आरोप लगाए, फिर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लग गए, गोसावी के ड्राइवर रहे प्रभाकर सैल ने वसूली के खुलासे किए और फिर गोसावी पुणे में गिरफ्तार हो गया। यानी एनसीबी के दो गवाह केपी गोसावी और उसका ड्राइवर प्रभाकर सैल की व्हाट्सएप चैट है। प्रभाकर सैल ने एनसीबी की
विजिलेंस जांच टीम को एक एफिडेविट दिया है जिसमें क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन की गिरफ्तारी की और कथित वसूली कांड से जुड़े कई खुलासे किए गए हैं। प्रभाकर सेल ने गोपी गोस्वामी के साथ हुई अपनी व्हाट्सएप चैट भी एनसीबी को सौंपी है। इस व्हाट्सएप चैट में केपी गोस्वामी ने सेल को मैसेज करके ये फरमान सुनाया था, हाजी अली चले आओ और वो काम पूरा करो जो मैंने तुम्हें बताया था, वहां से घर वापस आ जाना। जी सर। बाहर से ताला बंद कर देना और चाबी को खिड़की से हॉल में फेंक देना। ठीक है। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। प्रभाकर सेल और केपी गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट इस बात का सबूत है कि क्रूज पार्टी में एनसीबी की छापेमारी के बाद बहुत बड़ा वसूली का खेल चल रहा था। प्रभाकर सेल के एफिडेविट के मुताबिक उसे केपी गोस्वामी ने मुंबई के हाजी अली इलाके में जाकर इंडियाना होटल के पास से किसी से 50 लाख रुपए लेने को कहा। प्रभाकर सेल सुबह 9:45 पर वहां पहुंच गया जहां एक सफेद रंग की कार आई और पैसों से भरे हुए दो बैग उसे मिले। यहां सवाल उठता है कि क्या एनसीबी के नाम पर रुपयों की वसूली की गई? क्या आर्यन को छुड़ाने के लिए पैसे दिए गए? गोस्वामी से पैसों की डील की बात किसने की? उस सफेद कार में रुपए लेकर कौन आया था और दोनों बैग में कुल कितने रुपए थे? कथित वसूली कांड के सबसे बड़े राजदार प्रभाकर सेल ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये किया है कि एनसीबी की रेड से पहले ही कई लोगों की पहचान की जा चुकी थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक जाल बिछाया गया था। प्रभाकर सेल ने अपने एफिडेविट में ये दावा किया है कि केपी गोस्वामी ने व्हाट्सएप के जरिए उसे कई लोगों के फोटो भेजे थे। केपी गोस्वामी ने कुछ लोगों की तस्वीरें प्रभाकर सेल को व्हाट्सएप पर भेजी थी और कहा था कि अगर ये लोग क्रूज टर्मिनल के ग्रीन गेट पर दिखाई दें तो मुझे बताना। प्रभाकर सेल ने भी अपने एफिडेविट में इस बात का जिक्र किया है। पहले तो शुरुआत में जब ट्रैप होने से पहले किरण गोस्वामी ने अपने पर्सनल मोबाइल से कुछ फोटोज भेजे थे और बोला था कि प्रभाकर को कि ये फोटो आने के बाद इन्फॉर्म करो दूर से कि ये लोग आ गए। उस फोटोज में आर्यन खान नहीं था लेकिन बाकी के काफ़ी लोग थे जो आने के बाद जो एंट्री क्रूज पे लेने के बाद प्रभाकर सेल ने किरण गोस्वामी को साइन किया था कि यस इन लोग आ चुके हैं। एक और एफिडेविट जो प्रभाकर ने जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि कोरे कागज़ पर पंचनामे के लिए दस्तखत कराए गए और उस वक्त उनके पास आधार कार्ड नहीं था। वो आधार कार्ड क्या उन्होंने एनसीबी के समीर सालेकर को भेजा था? एनसीबी के कोई ऑफिशियल ऑफिसर थे उनको उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट करने के बाद प्रभाकर ने उनके पर्सनल मोबाइल पर वो आधार कार्ड शेयर कर दिया। एबीपी न्यूज के हाथ वो सारे चैट लगे हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि केपी गोस्वामी ने अपने ड्राइवर प्रभाकर सेल को 10 लोगों की तस्वीरें भेजी थी। केपी गोस्वामी के ये सभी डस्ट टारगेट बेहद हाई प्रोफाइल लोग थे। इनमें से कईयों का हमने चेहरा छिपाया है। उन 10 टारगेट में से एक शख्स को प्रभाकर सेल ने पहचाना भी था और उसने इस बात की जानकारी भी व्हाट्सएप के जरिए केपी गोस्वामी को दी थी। प्रभाकर सेल के एफिडेविट के मुताबिक केपी गोस्वामी ने करीब 4:23 पर एनसीबी रेड के बारे में प्रभाकर सेल को बताया था। वहीं एनसीबी रेड के बारे में ये भी बताया केपी गोस्वामी ने कि कुल 13 लोगों को इस रेड में गिरफ्तार किया गया है। 13 लोगों को चिन्हित किया गया जो 1-3 तारीख की रात में जो डीजी प्रधान साहब हैं उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार मिड सी ऑपरेशन हम लोगों ने किया। एक क्रूज पे छापेमारी हुई, 15 दिन से हम तैयारी कर रहे थे और इस तरह की बातें कही गई, सारे देश में उसको लेके खबरें चलने लगी। लेकिन हमने पहले 6 तारीख को सवाल केपी गोस्वामी और मनीष भानुशाली पे उठाए थे। हमने पहले कहा था कि उगाही का मामला है, व्हाट्सएप चैट के जरिए जो प्रभाकर कह रहा है कि कुछ लोगों के प्री डिसाइडेड फोटो बांटे गए थे उन्हीं को पकड़ना था, ये सारा उनके कन्वर्जेशन में है। अब तक के खुलासे में ड्रग्स केस में हुई वसूली में दो किरदार साफ साफ दिखाई देते हैं, एक है प्रभाकर सेल और दूसरा है किरण गोस्वामी। व्हाट्सएप चैट में समीर वानखेड़े का नाम अब तक सामने नहीं आया है
लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें गोसावी खुद को वानखेड़े का बेहद करीबी दिखा रहा है। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद समीर वानखेड़े से सवाल हुए तो वो ऐसे बचते दिखे। हमें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें केपी गोसावी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के एकदम पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद केपी गोसावी खुद को एनसीबी की टीम का सदस्य दिखाना चाहता था। शायद उसकी मंशा यही थी कि जो उसके बारे में जानता ना हो वो यही समझे कि केपी गोसावी कोई प्राइवेट शख्स नहीं बल्कि एनसीबी का कर्मचारी है। पर्दे के पीछे खेले जा रहे सीक्रेट खेल का सबूत नंबर 4 है एक और व्हाट्सएप चैट। ये चैट हुई है प्रभाकर सेल और एनसीबी के कर्मचारी समीर सालेकर के बीच में। प्रभाकर ने अपने व्हाट्सएप से आधार कार्ड एनसीबी के कर्मचारी समीर सालेकर को भेजा था। क्रूज ड्रग्स केस इतना ज्यादा फैल गया है कि अब इसमें बॉलीवुड के सितारे जुड़े हैं तो जांच के अधिकारी कटघरे में खड़े हैं। और सियासत तो ऐसी कि महाराष्ट्र में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। एबीपी न्यूज ने ड्रग्स केस के वसूली कांड को सामने रखकर कई खुलासे किए हैं लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे कि प्रभाकर सैल ने किरण गोसावी के कहने पर जो 50 लाख रुपए लिए थे वो आखिर किसके कहने पर लिए थे, और एक दिन पहले नीली मर्सिडीज में जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग किसके साथ हुई थी, क्या वो मीटिंग शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी के साथ हुई थी। इस पूरे खेल के पीछे किरण गोसावी ही है या फिर उसके पीछे कोई और भी है। जी हाँ, क्रूज ड्रग्स केस में कई राज अभी खुलने बाकी हैं लेकिन एक बात साफ है कि अगर लग्जरी जहाज पर ड्रग्स पार्टी हुई तो आर्यन खान को रिहा करने के लिए सौदेबाजी भी हुई। सौदेबाजी के आरोप ऐसे लोगों पर जिन्हें नारकोटिक्स विभाग अपना गवाह बनाता है, यानी सवाल एनसीबी से भी जरूर पूछे जाएंगे। और अब मुंबई पुलिस आरोपी गोसावी से पूछताछ भी करेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।